अब इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब थीटा 0 हो गया, स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0। इस लाइन का स्लोप 0 है। सेकेंड केस, इफ लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, या कहें कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा? सो इट्स स्लोप इज इनफाइनाइट। एक और चीज, अगर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से कम हुआ, दैट मीन्स स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से 90 डिग्री के बीच। ठीक है, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस की तरफ झुकी है, इस तरफ, तो हम कहेंगे कि उसका स्लोप पॉजिटिव 0 से 90 डिग्री के एंगल में कुछ। और इसके अपोजिट, अगर स्ट्रेट लाइन निगेटिव एक्स की तरफ झुकी हुई है, उस तरफ, ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगी ये एक्स एक्सिस के साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल नोट किया जाता है, तो ये जो एंगल है दैट इज मोर देन पाई बाय टू, और 90 से 180 डिग्री के बीच में टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, मतलब स्लोप क्या होगा? स्लोप इज निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब प्लस एक्स की तरफ झुकी है लाइन, और निगेटिव स्लोप का मतलब जो लाइन है वो निगेटिव एक्स की तरफ झुकी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है हमें। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना, या उसके पैरेलल कोई लाइन के साथ एंगल। मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके साथ जो एंगल है थीटा, यही निकालना है। अब देखो, समझना, आप क्या करो, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो जिसके अंदर ये थीटा आ रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो जो भी सुटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हुआ,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट और बेस दोनों निकाल लो, वन से टू ये डिफरेंस हुआ वन का, और जीरो से टू ये डिफरेंस हुआ टू का, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा हाइट अपॉन बेस, मतलब मैं कहूंगा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है हाफ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज हाफ। और पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि लाइन एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है, दैट मीन्स स्लोप वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप का एक और मतलब निकाला जा सकता है, इसे देखो, आप इस पॉइंट पर हो और आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, ध्यान से समझना, आप हो पॉइंट ए पर और आपको फिर से एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है जो कि लाइन पर है, तो ए से बी कैसे पहुंचेंगे, देखो, आप ए से आगे बढ़ो एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में आप आगे बढ़े कितने यूनिट, दो यूनिट, तो जब आप इस तरफ बढ़ते हो तो एक्स बढ़ता है, कितना यूनिट बढ़ा, दो यूनिट, यहां पहुंच गए। इसके बाद अगर आप वन यूनिट वाई की दिशा में बढ़ते हो तो आप पॉइंट बी पर तक पहुंच जाओगे, तो अगर आपको ए से बी तक पहुंचना है तो एक्स को भी बढ़ाना होगा और वाई को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। अब स्लोप को एक और रूप में लिखा जा सकता है, इसे समझना, जब आप आगे बढ़ते हो तो एक्स में चेंज आता है, ऊपर जाते हो तो वाई में चेंज आता है, ठीक है, तो आगे बढ़ने में जो चेंज आएगा उसको मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि वो चेंज एक्स में है, और ऊपर जाने में जो चेंज है उसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं, तो वो चेंज क्या होगा, डेल वाई। इस प्रॉब्लम में डेल एक्स हुआ टू और डेल वाई हुआ वन, ये एक्स में चेंज है और ये वाई में चेंज, स्लोप है हाइट और बेस का रेशियो, मतलब स्लोप को मैं डेल वाई बाय डेल एक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डेल्टा एक्स पॉजिटिव है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक्स बढ़ रहा है, और डेल वाई भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने पर वाई बढ़ता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि आप x को बढ़ाओगे तो y को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप फिर से लाइन पर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो स्लोप को अब हम डेल वाई बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं, डेल वाई मतलब चेंज इन y और डेल्टा x मतलब चेंज इन x, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप ये छोटा ट्रायंगल निकाल सकते, फॉर एग्जाम्पल 2 के बजाय अगर मैं 4 यूनिट आगे चलता हूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, 4 यूनिट आगे बढ़ने पर यहां, तो अगर आपको वापस लाइन पर आना है y की दिशा में जाना होगा, और आप देख सकते हो ग्राफ से कि अगर ये 4 है जो x में चेंज है, अगर आप 4 यूनिट से आगे बढ़ते हो तो y में 2 यूनिट से बढ़ना होगा तभी आप लाइन पर पहुंच पाओगे। तो इस बड़े ट्रायंगल में रेशियो आ जाएगा 2/4 मतलब हाफ, तो आप कैसा भी ट्रायंगल लो, दे आर ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो सेम रहेगा। पीछे भी जा सकते थे आप, जरूरी नहीं कि आगे जाओ, समझना। अगर मैं 2 यूनिट पीछे जाता हूं तो यहां पहुंच जाऊंगा, उसके बाद अगर मुझे वापस लाइन पर आना है तो नीचे की तरफ जाना होगा, तो ये हुआ 2 यूनिट, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 1 यूनिट, ठीक है। उस केस में ये होगा एंगल थीटा, तो अगर ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ये थीटा है, तो ये हो गई हाइट और ये होगा बेस, तो रेशियो 1/2। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप पीछे जाओगे तो एक्स कम होगा, आपको फिर से लाइन पर आने के लिए वाई को भी कम करना होगा, डेल्टा एक्स निगेटिव
तो डेल्टा वाई भी निगेटिव, इसलिए अगेन स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लाइन का स्लोप एक तरह से ये शो कर रहा है कि अगर आप एक्स में चेंज करते हो तो वाई में भी कितना चेंज करना होगा सो दैट हम अगेन लाइन पर आ सके। स्लोप ज्यादा है मतलब एक्स में थोड़ा सा चेंज करने पर वाई में लार्ज चेंज करना होगा। आप थोड़ा इसका मतलब समझो, दो एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक ये लाइन, और दूसरी ये लाइन। स्लोप का मतलब अभी मैंने बताया डेल्टा वाई चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। अब शुरुआत यहां से कर रहा हूं, मान लो मुझे y को बढ़ाना है, यहां पर पहुंचना है, तो इस तरफ चलना होगा x की दिशा में और फिर y की दिशा में। तो आप देखो x में बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, अगर आपको लाइन पर पहुंचना है तो y में थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो डेल y डेल्टा x का यहां की बात करें तो आपने x में चेंज किया, अगर आपको लाइन पर पहुंचना है तो y में बहुत लार्ज चेंज करना होगा। तो x में चेंज करने पर y में भी चेंज आ रहा है, बट y में चेंज ज्यादा कब आ रहा है? सेकंड केस। तो मैं कहूंगा x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा, तो जिस रेट से y में चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू x दैट रेट इज कॉल्ड स्लोप। तो इसमें लार्ज चेंज हो रहा है मतलब लार्ज रेट, थोड़ा सा x बदलो y में बहुत लार्ज चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y is larger in second case और rate of change of y is smaller in first case। तो slope का मतलब rate of change भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगर slope negative है तो उसको कैसे निकालेंगे? मान लो इस तरह की लाइन, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, समझना थोड़ा। लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो हमें कंसिडर करना होता है, ये हो गया थीटा, थोड़ा समझो। इसको आपने थीटा लिया है, इसको मैं ले लेता हूं अल्फा, तो अल्फा और थीटा का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब स्लोप का मतलब हुआ टेन थीटा, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहां से? टेन 180 माइनस अल्फा। अब आप आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आप इस चीज को समझोगे कि 10 180 माइनस अल्फा को माइनस 10 अल्फा लिखा जाता है। 10 180 ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 अल्फा, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? माइनस 10 अल्फा। तो अगर लाइन पीछे की तरफ झुकी है तो उस केस में क्या करो? आप नेगेटिव एक्सिस के साथ एंगल बना लो और उसके लिए 10 की वैल्यू निकालो और फिर माइनस साइन रख। जैसे हमने पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाया ऐसे यहां पे नेगेटिव एक्स के साथ एंगल बनाओ। ये देख लो इस लाइन में ये एंगल हो गया अल्फा, टेन अल्फा निकालना है, एक ट्रायंगल चुनना होगा आपको, ट्रायंगल सामने है,
यहां से शुरुआत करता हूं, एक्स में पीछे की तरफ आता हूं टू यूनिट, वापस लाइन पर पहुंचने के लिए वन यूनिट वाई में ऊपर की तरफ जाना होगा, टू यूनिट बैक वन यूनिट अप। तो आप लाइन पर पहुंच गए, बन गया एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में टेन अल्फा क्या होगा? तो टेन अल्फा होगा हाइट बाय बेस वन बाय टू, बट हमें निकालना है टेन थीटा। जैसा कि मैंने बताया स्लोप होगा माइनस टेन अल्फा के बराबर, मतलब स्लोप हो गया माइनस हाफ, तो नेगेटिव होगा क्योंकि लाइन पीछे की तरफ झुकी है। लाइन अगर पीछे की तरफ झुकी है तो आप नेगेटिव एक्स के साथ एंगल बना लो, टेन निकालो टेन अल्फा और माइनस साइन अटैच कर दो। इस लाइन का स्लोप माइनस हाफ, माइनस का मतलब क्या है समझो, प्लस का मतलब बताया था मैंने कि जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा। अब यहां पर अगर आप गौर करो तो आप शुरुआत कर रहे हो यहां से, आप एक्स को कम कर रहे हो, फिर से लाइन पर पहुंचने के लिए आपको वाई को बढ़ाना होगा, तो एक्स कम हो रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इसके उल्टा अगर मैं इस तरफ जाता हूं एक्स को बढ़ाता हूं तो लाइन पर पहुंचने के लिए वाई को कम करना होगा। मतलब निगेटिव स्लोप का ये मीनिंग है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई कम हो, एक्स कम होगा तो वाई बढ़े। पॉजिटिव स्लोप में दोनों एक साथ बढ़ रहे थे या कम हो रहे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, और उसका क्या मीनिंग है ये भी देखा हमने। स्ट्रेट लाइन का स्लोप अब हम निकाल सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, फंक्शन एंड ग्राफ, इसको आप 12th क्लास में पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, बट हमें जरूरत पड़ती है कई जगहों पर इस कंसेप्ट की, मतलब समझना है इस चीज को। फंक्शन को आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हो रिलेशन, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। वेरिएबल क्या है? देखो फिजिक्स में हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से डील करते हैं, जैसे अभी आपके लेवल पे हम बात करें जो हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे और भी आगे पढ़ेंगे, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, देर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और उन क्वांटिटीज के बीच में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, उस रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी में रिलेशन है मतलब हम कहेंगे कि उनका एक फंक्शन बनेगा, ठीक। तो फंक्शन का मतलब या रिलेशन का मतलब है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता, मतलब मैं कहूंगा कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट और एलिवेशन, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस। तो जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा उतना कम प्रेशर होता है, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, मतलब मैं कहूंगा प्रेशर इज फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। प्रेशर और एल्टीट्यूड में दोनों में रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड मींस प्रेशर इज फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा था, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज और दूसरी वेरिएबल। तो जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है
और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कॉन्स्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है, ऐसे बहुत से कॉन्स्टेंट पढ़ोगे आप फिजिक्स में. वेरिएबल से एक कंटेनर में किसी गैस को रखा है तो गैस का जो प्रेशर होगा दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. अगर आप इसको गर्म करते हो गैस को तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है. कोई और क्वांटिटी चेंज करते हो तो इस क्वांटिटी में चेंज आएगा, मतलब इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल. मोशन करते समय पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, मतलब पोजीशन हो गई वेरिएबल. टाइम चेंज होता है, टाइम हो गया वेरिएबल. एक्सीलरेशन के समय पार्टिकल की स्पीड बदलती है, मतलब स्पीड वेरिएबल क्वांटिटी हो गई वहां. ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल. और जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है जिसको मैंने कहा फंक्शन. ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझो. इफ वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, इफ वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स दैट मीन्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स. अगर y x का फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि y x पर डिपेंड करता है, मतलब x बदलेगा तो y भी बदलेगा. तो y और x दोनों वेरिएबल्स हैं, इनमें रिलेशन है. मैथमेटिकली इसको ऐसे शो किया जाता है. ठीक है, इससे घबराना नहीं है, इसको ऐसा लिखा जाता है. y इज फंक्शन ऑफ x, f मतलब फंक्शन, तो y x पर डिपेंड करेगा. एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन लिखा हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. एक्स की वैल्यू 0 रखो y आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू रखोगे 1 y आ गया. मतलब अब जब x को बदलोगे तो y में भी चेंज आएगा, समझ रहे हो ना. मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, x बदलेगा तो y भी बदलेगा. एक्स और वाई तो कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, एक कंटेनर में ठीक है गैस भरी हुई. अब आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो इसका प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन लिखा, प्रेशर इज 10 टाइम्स टेम्परेचर. तो इनमें आपस में ये रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. अगर आप इसके टेम्परेचर को डबल कर दो तो क्या प्रेशर डबल हो जाए. मान लो टेम्परेचर 2 यूनिट तो प्रेशर हो गया 20 यूनिट, और अगर टेम्परेचर को आपने 4 यूनिट रखा तो प्रेशर 40 यूनिट हो जाएगा, मतलब डबल. तो टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो पी और टी में एक फंक्शन आ गया, एक रिलेशन आ गया. तो जरूरी नहीं कि आप वाई और एक्स के फॉर्म में ही देखो, जो भी वेरिएबल्स के सिंबल हैं उनके फॉर्म में कई सारे रिलेशन लिखे जा सकते हैं. ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूं. वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, y x पर डिपेंड कर रहे हैं. y इक्वल टू 5 इंटू साइन एक्स, y x पर डिपेंड कर रहा है. x चेंज करोगे तो साइन x, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू बढ़ेगी. तो x में चेंज लाने पर y में चेंज होगा, मतलब y x का फंक्शन. कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं, राइट. तो मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहा जाता है फंक्शन, राइट. ग्राफ, जो भी रिलेशन है
उस रिलेशन को ग्राफिकली प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट कैसे करना है? तो प्लॉट में आप दो एक्सिस बनाओ, इसको हमने एक्स एक्सिस का और ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई में वेरिएबल्स को रखना है जिनके बीच में रिलेशन है। मान लो वाई इक्वल टू 2x+3, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ का मतलब आपको ग्राफिकली शो करना है कि x में चेंज होने पे y में किस तरह का चेंज होगा। ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाओ, x और y की वैल्यूज लो। मान लो x की वैल्यू ली आपने 0, तो y की वैल्यू निकालो 3। x आ गया 1, तो y हो गया 5। x 2 है तो y हो गया 7। ऐसे कई सारे पॉइंट्स ले लो। अब उन पॉइंट्स को इस ग्राफ में लोकेट करो, ठीक है? इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में लोकेट करना है। तो पहला पॉइंट क्या है? 0, 3। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 3 होगी, तो 0, 3 पॉइंट को लोकेट करो। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट जो है ये 0, 3 को शो कर रहा है, x 0 और y 3। अगला पॉइंट है 1, 5। जब x 1 होगा तब y 5, x हुआ 1, y 5, कहां पर पॉइंट मिलेगा? ये पॉइंट जो है इसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 5, ये भी इसी रिलेशन को शो कर रहा है। 2, 7, x की वैल्यू 2, इस तरह की लाइन बना लो, और y की वैल्यू 7। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 7। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस रिलेशन को शो कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है? लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब ये एक लीनियर रिलेशन है। एक्स में चेंज करोगे तो वाई में भी चेंज आएगा। लीनियर वेरिएशन का मतलब है कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा है। एक्स एक यूनिट बढ़ाया, वाई में कितना चेंज आ रहा है? 0 से 1 करने पर वाई में 2 यूनिट बढ़ रहा है, फिर एक्स एक यूनिट बढ़ाया, वाई में 2 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा है। तो जब भी कांस्टेंट रेट से चेंज आता है वहां पे लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक? जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रिलेशन से एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज 2x² - 3, ये एक रिलेशन है फंक्शन, इसका ग्राफ बनाना है। तो अगेन आपको टेबल बनानी होगी, x y, x रखो 0, y इज माइनस, x 1, y माइनस 1, 2 प्लस 1, नो 2 रखने पर प्लस 5, 3 प्लस 15। अब इसको हम शो करते हैं ग्राफ।
थ्री को अभी हम यहां शो नहीं कर पाएंगे, हमें स्केलिंग करनी होगी ग्राफ की, ठीक है। कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, -1, सो इट इज ऑल्सो -1, -2, +5, ठीक है। ठीक है, पॉइंट्स को लोकेट करो, 0 -3, x0 तो y -3, ये एक पॉइंट हो गया। 1 -1, x1 है तो y -1, यहां पर आएगा ये x1 तो y -1, और x -1 तो y भी -1, एक और पॉइंट मिल गया। x2 तो y+5, x2 है तो y+5, मतलब यहां पर पॉइंट मिलेगा। x-2 तो y अगेन +5, तो -2, और ऐसे पॉइंट और ऊपर मिलेगा। यह स्केल छोटा कर दें उसका, तो उस केस में उसको लोकेट कर सकते। ऐसे कई से पॉइंट मिलेंगे, इन सभी पॉइंट को आप जोड़ो, ठीक है, ग्राफ मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ की खासियत है कि लीनियर रिलेशन नहीं है, लीनियर नहीं है मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं हो। लाइन में तो आप एक्स में बदलाव करो तो वाई में हमेशा उतना ही बदलाव होगा जितना पहली स्टेप में कर रहे थे आप। रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, बट यहां पर रेट ऑफ चेंज जो है वेरिएबल। तो हर एक फंक्शन के लिए, मतलब रिलेशन के लिए, ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है।